बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस और क्लास है हमारी बीकॉम पार्ट वन। आज हम देखेंगे कि बीकॉम पार्ट वन में इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में वो कौन से अहम चैप्टर्स हैं जिनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे नंबर हासिल किए जा सके। तो आज देखते हैं कि पहले के तमाम चैप्टर्स हमारे कौन कौन से हैं। तो इसमें चैप्टर्स में सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस, कि बिज़नेस क्या है, कैसे किया जाता है। दूसरा, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की नौइयत क्या है, स्कोप क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या है। फिर आता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कारोबारी इदारे। और फिर आता है सोल ट्रेडरशिप, वाहिद मलकियती कारोबार कैसे किया जाता है और इसकी नौइयत क्या होती है। अगला चैप्टर है पार्टनरशिप, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो कारोबार करते हैं मुनाफा कमाने के लिए, उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। तो आप ज़हन में रखिए कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं आपके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन आना लाजमी है। आप ये समझ लीजिए कि सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप, इसमें से क्वेश्चन और ये पहले तीन चैप्टर में से एक क्वेश्चन, ये लाजमी आएगा। यानी इन पांच चैप्टर्स में से आपको दो क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला चैप्टर है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। आप ज़हन में रखिएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी वन, टू एंड थ्री, आपकी बुक में जॉइंट स्टॉक कंपनी के तीन चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी के मुख्तलिफ मराहिल, मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ फ़राइज जो है वो सारे बयान किए गए हैं, मुख्तलिफ तरीके इसके बयान किए गए हैं। तो आप ये ज़हन में रखिए कि इन में से तीनों में से एक या दो क्वेश्चन आना जो ज़रूरी है पेपर में, लाजमी तौर पर इनमें से एक या दो क्वेश्चन आएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये चैप्टर भी बहुत अहम चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास है बिज़नेस कम्बिनेशन, कि बिज़नेस में कम्बिनेशंस मुख्तलिफ तरीक़ों के कैसे बनाए जाते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल कम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, आपने इनको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पे जो बात हुई कि इन तीनों में से क्वेश्चन आएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी में से क्वेश्चन आने का चांस है, बिज़नेस कम्बिनेशन में से क्वेश्चन आने का चांस है, तो आपने इन चैप्टर्स को भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है ट्रेड का, होम ट्रेड। इसके भी कई चैप्टर्स हैं, होम ट्रेड टू है जिसमें होलसेल ट्रेड पे बात होगी, होम ट्रेड थ्री है जिसमें रिटेल ट्रेड के ऊपर बात होगी। तो ये तीन चैप्टर हैं, इनमें से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है लेकिन बहुत कम चांस है, इनमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है लेकिन आ सकता है, इसलिए आपने इसको भी तैयार करना है। इसके बाद फॉरेन ट्रेड वन, फॉरेन ट्रेड टू जिसमें इंपोर्ट ट्रेड के मतलब बात की जाती है, फॉरेन ट्रेड थ्री जिसमें एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बाहर से मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड वो तिजारत जिसमें हम चीज़ें बाहर भेजते हैं, बरामद करते हैं, इनके ऊपर बात होती है। तो आपने ये तीन चैप्टर जो हैं इनको भी देखना है और तैयार करना है, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, ये तीन चैप्टर और ये तीन चैप्टर, इनमें से 50% आप समझ लीजिए कि पेपर आने का चांस होता है, बहुत कम होता है। इसके बाद फिर जो चैप्टर है हमारे पास हुआ बिज़नेस फाइनेंस, और फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग, के बिज़नेस में एडवर्टाइजिंग किस तरीके से होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, और सेल्स प्रमोशन, हम अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग की किस्में क्या होती हैं, और फिर मैनेजमेंट के कारोबार की, बिज़नेस की मैनेजमेंट कैसे होगी। तो इसमें मैं आपको जो है वो बताऊंगा, मार्केटिंग आपने ज़रा अच्छे तरीके से इसमें से तैयार कर लेना है, इन पांचों चैप्टर में से ये मार्केटिंग का जो चैप्टर है ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से तैयार करना है, बाकियों में से पेपर आने में, क्वेश्चन आने में आने का चांस जो है वो बहुत कम है। इसके बाद फिर अगला चैप्टर जो हमारे पास आता है बिज़नेस रिस्क एंड इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आपको आएगा। फिर ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। वेयर हाउसिंग, इसमें से बहुत कम चांस है। स्टॉक एक्सचेंज,
इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस 60-70% होते हैं। और फिर है ई कॉमर्स, 50% इसमें से भी पेपर आ सकता है। तो ये आपके पास हो गए 26। और मैंने बीच बीच में आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर्स में पेपर आने का, कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है और किस में कम है। लेकिन अगर आप इन सब को अलहदा करके देखना चाहते हैं कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिनमें से पेपर आ सकता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अब जरा इनको नोट कर लीजिए। इनमें से पेपर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके ये तीनों चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी के। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें से भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। बिजनेस कम्बिनेशन, मार्केटिंग, बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के मुख्तलिफ किस्में इसमें, मैरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बिजनेस की जो मुतलका हैं वो भी सारी इसके अंदर आती हैं। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टॉक एक्सचेंज और ई कॉमर्स। तो कुल 26 में से ये 15 चैप्टर आपके पास हैं जिनको अगर आप ज़रा अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके नंबर 100% आने की उम्मीद है। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और जो जिन चैप्टर पे बिल्कुल उनको छोड़ना नहीं है, हो सकता है उनमें से भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपने उनको भी तैयार करना है। लेकिन ये वो 15 चैप्टर हैं जिन पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगा कि हर चैप्टर में से कौन कौन से अहम क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो आपने इन सब चैप्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है और उम्मीद है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे।